हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि हमने अच्छे से जान ली है। अब द्वितीय सोपान लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। लिंग प्रकरण में स्वरांत प्रकरण हमारे बीच में है और स्वरांत प्रकरण में दीर्घ उकारांत शब्द हमारे बीच में आया है खलपू। अब दीर्घ उकारांत शब्द के रूप हम चला रहे हैं खलपू। इसके पूर्व सत्र में हमने कटप्रु शब्द चलाया था। उस कटप्रु शब्द में हमने ऊ के स्थान पर ओ आदेश किया था। अब खलपू शब्द में अनेक स्वर हैं, अंत में दीर्घ उकारांत शब्द है और संयोग से रहित है। संयोग से रहित होने पर सी विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय खलपू, अव्यवक्ति के आने पर अनेकाक्षरयोस्तु संयोगाद यवौ। अनेक अक्षर इसमें हैं और संयोग से रहित हैं। अनेक अक्षर और संयोग से रहित होने के कारण यहाँ पर ऊ के स्थान पर केवल वा आदेश होगा, वा। वैसे यहाँ ऊपर के सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु ये अपना अधिकार लेकर आया, कहता है कि अनेक अक्षर हो और संयोग से रहित हो तो मेरे द्वारा दीर्घ उकारांत शब्दों को वकार आदेश किया जाएगा और वकार आदेश जब हो जाएगा तो शब्द बनेगा खल्पवौ, खल्पवाह। संबोधन में हे खल्पू, हे खल्पवौ, हे खल्पवाह। अव्यवक्ति के आने पर खल्पवम, खल्पवौ, खल्पवाह। ताव्यवक्ति के आने पर ऊ के स्थान पर वा आदेश, खल्पवा, खल्पूभ्याम, खल्पूभिः। चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर खल्पवे, खल्पूभ्याम और खल्पूभ्याः। पंचमी विभक्ति में गसी विभक्ति के आने पर खल्पवाह, खल्पूभ्याम, खल्पूभ्याः। षष्ठी विभक्ति में खल्पवाह, खल्पूभ्याम, षष्ठी में खल्पवाह, ओस विभक्ति में खल्पवोः और आम विभक्ति में खल्पवाम। गी विभक्ति के आने पर खल्पवी, खल्पवो और खल्पूसु। इस प्रकार से दीर्घ उकारांत शब्दों के प्रयोग पूर्ण हो जाते हैं। अगला सूत्र हमारे बीच में है जिसकी टीका हम पढ़ रहे हैं। 192 नंबर के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा है 192 की टीका हमारे द्वारा सीखी जा रही है, पढ़ी जा रही है। अगले पेज पर हम पहुंच रहे हैं, 77 नंबर के पेज पर। और ये हमारे शब्द चल रहे हैं खल्पू। खल्पू की तरह ही सरलू, कमंडलू, यहाँ पर कांडलू आदि शब्दों के रूप जानना चाहिए। अब हमारे बीच में नया शब्द आ रहा है प्रतिभू। और प्रतिभू शब्द में क्या विशेषता है, क्या अंतर आ रहा है, ये आपके बीच में दर्शाया जा रहा है।
अगर हम प्रतिभूत शब्द से सी विभक्ति लेकर आएंगे तो यहाँ पर सी विभक्ति में तो कोई नया काम होता नहीं है, केवल रेप शोर विसर्जनिया लगाकर उसको प्रतिभू बना दिया जाता है। अब औ विभक्ति हम लेकर आते हैं तो नियमानुसार यहाँ पर अनेक अक्षर हैं और अनेक अक्षर होने के कारण ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा, अनेक अक्षर योस्तु संयोगाद यवौ। प्रतिभू शब्द में अनेक अक्षर हैं और अनेक अक्षर होने के कारण अनेक अक्षर योस्तु संयोगाद यवौ। सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वह आदेश की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। अगला सूत्र कहता है भू रवर्षा भू र पुनर्भू। थोड़ा सूत्र का उच्चारण थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत से उच्चारण करने वाले कर देते हैं भूर वर्षा भूर पुनर्भू, जो कि बहुत अशुद्ध कहलाता है। बड़े ध्यान ध्यान से धीरे धीरे बोलना है भू, फिर बोलना है र वर्षा भू, फिर बोलना है र पुनर्भू। अर्थात भू शब्द किसी भी शब्द के सामने हो, भू शब्द स्वतंत्र रूप में अकेला हो, एक अक्षर वाला हो, या भू शब्द के पहले कोई भी शब्द जुड़ा हुआ हो, जैसे हमारे बीच में प्रतिभू शब्द है। अब प्रतिभू शब्द होने के कारण यहाँ पर भू के पहले प्रति जुड़ा हुआ है और प्रति जुड़े होने के कारण यहाँ पर भू र वर्षा भू र पुनर्भू। कहते भू शब्द जुड़ा हुआ हो पर भू के पहले वर्षा नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्षा भू शब्द को छोड़कर और अपुनर्भू माने पुनर्भू शब्द को छोड़कर वर्षा भू शब्द नहीं होना चाहिए, पुनर्भू शब्द नहीं होना चाहिए। इन दोनों शब्दों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से अकेला भू शब्द हो या भू के पूर्व कोई भी शब्द जुड़ा हुआ हो तो वहां पर भू के ऊ के स्थान पर उव आदेश होता है। उव अनेक अक्षर योस्तु संयोगाद यवौ सूत्र से केवल ऊ के स्थान पर बकार आदेश की प्राप्ति थी, परंतु यहाँ पर उव आदेश होगा भू र वर्षा भू र पुनर्भू। और जो वर्षा भू शब्द रहेगा या पुनर्भू शब्द रहेगा, इसमें रहने वाला जो भू है उसके ऊ है उसके स्थान पर केवल वा आदेश होगा वा। तो हमको ध्यान रखना है कि भू शब्द स्वतंत्र रूप से अकेला हो या उसके पूर्व कोई भी शब्द जुड़ा हुआ हो, लेकिन वर्षा नहीं होना चाहिए और पुनर् नहीं होना चाहिए। तो वर्षा भू और पुनर्भू यदि होगा तो ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा, और ये दोनों शब्दों को छोड़कर कहीं भी भू शब्द होगा तो वहां पर स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उव आदेश होगा। तो यहाँ प्रतिभू धन औ ऊ के स्थान पर उव आदेश हो जाएगा तो बनेगा प्रतिभुवौ। अब शेष काम हमें इसी प्रकार से करते चले जाना है, स्वर वाली विभक्तियों को जोड़ते चले जाना है। प्रतिभुवौ जस विभक्ति में प्रतिभुवाः संबोधने पि तद्वत्, संबोधन में भी इसी प्रकार से जानना जैसे बने हुए हैं। और उसके बाद अम विभक्ति लाएंगे तो प्रतिभुवम प्रतिभुवौ प्रतिभुवाः। तृतीय विभक्ति में टा विभक्ति लाएंगे प्रतिभुवा प्रतिभूभ्याम और प्रतिभू भी।
चतुर्थी विभक्ति में लेकर आएंगे प्रतिभुवे, प्रतिभुभ्याम और प्रतिभुभ्यः। पंचमी विभक्ति में प्रतिभुवः, प्रतिभुभ्याम और प्रतिभुभ्यः। षष्ठी विभक्ति में प्रतिभुवो, प्रतिभुवः, प्रतिभुवोः, प्रतिभुवाम। सप्तमी विभक्ति में प्रतिभुवी, प्रतिभुवोः और सुप विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी प्रतिभूसु। इस प्रकार से प्रतिभू शब्द के प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। प्रतिभू शब्द की तरह ही स्वयंभू, मित्रभू, अग्निभू, मनोभू इत्यादि शब्दों के रूप जानना चाहिए। यदि वर्षा भू हमारे बीच में है तो वर्षा भू के ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा, वा, तो वर्षा भू, वर्षा भुवाऊ, वर्षा भुवाह, हे वर्षा भू, हे वर्षा भुवाऊ, हे वर्षा भुवाह, वर्षा भुवाम, वर्षा भुवाऊ, वर्षा भुवाह, वर्षा भुवा, वर्षा भूभ्याम, वर्षा भूभी, वर्षा हुए, वर्षा भुवे, वर्षा भूभ्याम और वर्षा भूभ्या, वर्षा भुवाह, वर्षा भूभ्याम, वर्षा भूभ्याह, पढ़ा दे थोड़ा बहुत, वर्षा भुवाह, वर्षा भुवो, वर्षा भुवाम, वर्षा भुवी, वर्षा भुवो और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता वर्षा भू। इसी प्रकार से पुनर्भू शब्द के ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा तो सेनानिबत, अर्थात सेनानी में ई के स्थान पर या होता है तो यहाँ ऊ के स्थान पर वा आदेश होता है। बत्तम भेदा, केवल वा का ही भेद जानना और कोई भेद नहीं है। इति उकारांता, इस प्रकार से दीर्घ उकारांत शब्दों का प्रयोग भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ये दोनों शब्द हमारे बीच में जो आए हुए हैं अनेक अक्षर तो संयोगाद यव और ईद उतो रिव स्वरे, इन दोनों सूत्रों को यदि हम अच्छे से समझ लें कि अनेक अक्षर होने पर अनेक अक्षर तो संयोगाद यव सूत्र लगाना है और भू शब्द स्वतंत्र रूप से हो या वह किसी के साथ में हो तो वहां पर उसके ऊ के स्थान पर ओ आदेश करना है। भू र वर्षा भू र पुनर्भू सूत्र के माध्यम से, और सूत्र के माध्यम से अब जो वर्षा प्रतिभू शब्द हमारे बीच में था उस प्रतिभू की तरह ही स्वयंभू, मित्रभू और आत्मभू और अग्निभू तथा मनोभू शब्दों के रूप जानना चाहिए। सेनानी, वर्षा भू और पुनर्भू शब्द के ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा, वा, इतना अपने को ध्यान रखना है। अब उकार के बाद में रिकारांत शब्द आता है। रिकारांत शब्द में हमारे बीच में आ रहा है पुल्लिंग पितृ शब्द। अब रिकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द हमारे बीच में आया है।
अब थोड़ा रिकारांत शब्दों में हमें थोड़ा विशेष ये ध्यान रखना है कि पितृ और मातृ इन शब्दों में हमें त्रि नजर आ रही है त्रि, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मातृ और पितृ शब्द पित और मात धातु से रिरी प्रत्यय करके उणादि के अंतर्गत पितृ और मातृ शब्द बना है। लेकिन यदि हम किसी धातु के साथ में कर्तृ प्रत्यय करेंगे, त्रि प्रत्यय करेंगे और त्रि करके कर्तृ शब्द बनाएंगे, वो त्रि और पितृ वाले त्रि में थोड़ा सा अंतर रहेगा घुट विभक्तियों में। तो यहाँ पर पितृ शब्द में जो अंत में रिरी है वो तामे जरूर बैठी हुई है, लेकिन शब्द रिकारांत है, रिरी अंत में है और कर्तृ आदि शब्द उनके अंत में त्रि है। अब आप कहेंगे त्रि के बाद त्रि है तो वहां पर भी तो रिरी है, लेकिन वो त्रि तामे रिरी है और यहाँ पितृ में भी तामे रिरी है, लेकिन यहाँ वहां पर त्रि प्रत्यय हुआ है और यहाँ पर पित धन रिरी प्रत्यय हुआ है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर ये समझना है कि आपको लगेगा ऐसा कि दोनों जगह त्रि त्रि है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहां पर पित और मात शब्द से रिरी प्रत्यय हुआ है और यहाँ पर क्री धातु से त्रि प्रत्यय होकर कर्तृ धातृ आदि शब्द बनते हैं। तो पहले हम पितृ शब्द की चर्चा आपके बीच में करते हैं। जिस शब्द में केवल रिरी है, त्रि नहीं, इतना अपने को पहले ध्यान रखने का, अपने को ये नहीं सोचने का है कि पितृ में भी त्रि है और कर्तृ में भी त्रि है तो दोनों में अंतर कैसे है। दोनों में अंतर यही है कि आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है कि पितृ और मातृ आदि शब्द उणादि प्रकरण के अंतर्गत तैयार होते हैं और कर्तृ आदि शब्द कृदंत प्रकरण के अंतर्गत धातु से बनाए जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो अब हमारे बीच में शब्द आता है रिकारांत पुल्लिंग शब्द पुल्लिपत्री ही। अब अंडरलाइन हो रही है 193 नंबर सूत्र के नीचे, देखिए रिकारांत पुल्लिंग पित्री शब्द, ये शब्द हमारे बीच में है, रिरी है, पितृ धन सी, सी विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र के माध्यम से सी में रहने वाली जो ई है उसका अनुबंध लोप हो जाएगा और अनुबंध लोप होने पर केवल सा बचेगा, लेकिन कहलाता वो सी है। अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आ सौ सी लोपश्च, आ सौ सी लोपश्च, ये सूत्र को ध्यान रखना, जे हर रिकारांत शब्द के लिए सूत्र लगेगा, चाहे वो कर्तृ में त्रि हो अथवा रिरी अंत में हो, हर रिकारांत शब्द के लिए ये सूत्र लगेगा आ सौ सी लोपश्च, अर्थात पितृ में रहने वाली जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर दीर्घ आ आदेश होता है और जो सी विभक्ति लेकर आए तो उस सी विभक्ति का लोप हो जाता है। सी विभक्ति के होने पर पितृ अर्थात जितने भी रिकारांत शब्द आएंगे उन रिकारांत शब्द के स्थान पर आ आदेश होता है आ, और आ आदेश हो जाने के बाद में सी विभक्ति के होने पर ही आ आदेश होता है, हर जगह नहीं, और बाद में आ आदेश होने के बाद में सी लोपश्च, सी का लोप हो जाता है और सी का लोप हो जाने पर पित धन आ, तो यहां पर पिता बन जाएगा पिता।
ऐसे ही मातृ का चलाएंगे तो मात धन रि सी रि के स्थान पर आ और सी का लोप करेंगे तो बनेगा माता। ध्यान रखें तो यहाँ रिदंतस्य लिंगस्य आ भवति सौ परे और सीलोपश्च रि के स्थान पर आ आदेश होता है और आ आदेश होने के बाद में जो सी विभक्ति है उस सी विभक्ति का लोप हो जाता है तो पिता बन जाता है पिता। अब पिता के बाद में औ विभक्ति लेकर आएंगे पितृ धन औ द्विवचन में औ विभक्ति पितृ धन औ औ विभक्ति लेकर आए हैं। पुराना एक सूत्र है पंचादौ घुट पंचादौ घुट प्रारंभ की जो पांच विभक्तियां हैं अर्थात सी औ जस आम और औ इन पांच विभक्तियों को घुट विभक्ति कहते हैं घुट घर का घा घुट। और ऊपर का सूत्र कहता है कि आसौ सीलोपश्च सी विभक्ति भी यद्यपि घुट विभक्ति है परंतु घुट विभक्ति होने के बाद सी का उल्लेख अलग से किया गया है और सी का उल्लेख अलग से किए जाने पर उसके लिए आ आदेश कर दिया। अब हमारे पास में शेष चार विभक्तियां बची हैं औ जस अम और औ। इन चार विभक्तियों के सामने हमें क्या करना है अगला सूत्र हमारे बीच में आता है घुटीचा घुटीचा अर्थात रिदंतस्य अर भवति घुटी परे। रिदंत माने रिरी जिनके अंत में हो। अब ये ध्यान रखना है पितृ और मातृ शब्द के अंत में रिरी है लेकिन कर्तृ धातृ आदि शब्दों के अंत में त्रि अत्रि तावी है और रिरि भी है तो वो अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो कहते हैं रिदंतस्य अर भवति घुटी परे। रिदंत जो शब्द है उस रिदंत शब्द के स्थान पर अर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर जो औ है वो घुट विभक्ति है और रि के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा पित धन अर धन औ और इसको परस्पर में जोड़ दिया जाएगा व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पितरौ। इसी प्रकार से जस विभक्ति लेकर आएंगे तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पितराहा। अम विभक्ति लेकर आएंगे तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पितरम और औ विभक्ति लाएंगे तो हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा पितरौ। इस प्रकार से पितृ शब्द के पंचादौ घुट यानी कि पांच विभक्तियों में पहले में पिता दूसरे में पितरौ तीसरे में पितरा द्वितीय के एक वचन में पितरम और द्वितीय के द्विवचन में पितरौ ये आदेश होकर नया रूप बन जाता है। अब संबुद्धि में हम शब्द लेकर आएंगे सी जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो आज हमने दीर्घ उकारांत खलपु और प्रतिभू और वर्षाभू और पुनर्भू यानी कि जितने भी दीर्घ उकारांत शब्द हैं उनके बारे में अच्छे से जान लिया है और उसके बाद रिदंत शब्द हमारे बीच में आया पितृ। उस रिदंत शब्द में पंचादौ घुट विभक्तियों के रहने पर
शी विभक्ति में आ सौ सी लोपश्च सूत्र के माध्यम से हमने रिरि के स्थान पर आ आदेश करके सी का लोप कर बनाया पिता, और औ जस अम औ इन शेष चार घुट विभक्तियों के रहने पर घुटी चा सूत्र से रिरि के स्थान पर आर आदेश कर व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बनेगा पितरौ पितराह पितरम पितरौ। अब संबुद्धि और सस जो अघुट विभक्ति है उन विभक्तियों की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, और अगले सत्र में पुनः पितृ शब्द को लेते हुए हम सी औ आदि की चर्चा आपके बीच में रखेंगे, ताकि आपको पितृ शब्द के रूप, मातृ शब्द के रूप और कर्तृ आदि त्रि शब्द त्रि प्रत्यय वाले शब्द आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शेष चर्चा अगले सत्र में, तब तक के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।